बोनी कपूर और श्रीदेवी की लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे चर्चित और विवादित प्रेम कहानियों में से रही है। श्रीदेवी ने अपने सपनों का आशियाना बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना कपूर की टूटी गृहस्थी के ढेर पर खड़ा किया था। श्रीदेवी को बोनी कपूर की पत्नी होने का हक तो मिल गया था, लेकिन इसके साथ ही उन्हें दूसरी औरत और होम ब्रेकर जैसे टैग भी मिले थे। ये तो सभी जानते हैं कि शादीशुदा और दो बच्चों के पिता बोनी कपूर का दिल जब खूबसूरत श्रीदेवी पर आया था, तब इनके प्यार की वजह से मोना कपूर की गृहस्थी तबाह हो गई थी। साल 1996 में बोनी कपूर और श्रीदेवी ने मंदिर में शादी की थी। हालांकि बोनी कपूर की पत्नी बनने के बाद भी श्रीदेवी लंबे वक्त तक इनसिक्योरिटी का शिकार रही थी। श्रीदेवी का ये डर उस वक्त और भी ज्यादा बढ़ जाता था जब बोनी कपूर अपने दोनों बच्चों अर्जुन और अंशुला से मिलने उनके घर पहुंच जाते थे। श्रीदेवी को जब भी बोनी कपूर के अपनी पहली पत्नी और बच्चों से मिलने की खबर मिलती थी तो वो पूरा घर सर पे उठा लेती थी। एक बार तो उन्होंने ऐसा बखेड़ा खड़ा किया था कि घर से आ रही झगड़े की आवाजें पड़ोसियों ने भी सुनी थी। तब बोनी और श्रीदेवी के बीच हुए उस झगड़े और श्रीदेवी की इनसिक्योरिटी की खबर फिल्मी मैगजीन स्टारडस्ट में भी बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ छपी थी। दरअसल ये किस्सा है साल 1997 का, जब श्रीदेवी और बोनी कपूर मंदिर में शादी कर चुके थे। मंदिर में शादी करने के बाद भी श्रीदेवी और बोनी कपूर की शादी नाजायज ही ठहराई जा रही थी, क्योंकि मोना तब भी बोनी कपूर की लीगल वाइफ थी। उसी दौरान बोनी कपूर अपने दोनों बच्चों अर्जुन और अंशुला को फन पार्क में पिकनिक के लिए ले गए थे। जैसे ही इस बात की भनक श्रीदेवी को लगी, उनका पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया था। शाम को बोनी जब घर लौटे तो श्रीदेवी ने अपना सारा गुस्सा उन पर उतार दिया। स्टारडस्ट ने अपने लेख में पड़ोसियों के हवाले से छापा था कि तब श्रीदेवी तेज आवाज में बोनी को गालियां दे रही थी और चिल्लाते हुए कह रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अगर तुम अपने बच्चों और पत्नी से इतना ही प्यार करते हो तो फिर से उस घर में वापस क्यों नहीं जाते। तुम धोखेबाज हो, तुम झूठ बोलते हो। वहीं इस पूरे मुद्दे पर पड़ोसियों की राय भी अलग अलग थी। किसी ने कहा कि श्रीदेवी को बोनी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, श्रीदेवी को समझना चाहिए कि बोनी अपने दोनों बच्चों से काफी जुड़े हुए हैं। अगर वो उनसे मिलते हैं या उन्हें पिकनिक पर ले जाते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं, आखिरकार वो उनके पिता हैं। तो वहीं कुछ लोगों की नज़रों में श्रीदेवी का इनसिक्योर होना सही था, क्योंकि तब बोनी को समझना चाहिए था कि श्रीदेवी का ऐसा बर्ताव अपनी नाजायज ठहराई जा रही शादी की वजह से था। वैसे बोनी और श्रीदेवी की शादी के बाद मोना कपूर ने भी एक इंटरव्यू में अपनी टूटी शादी को लेकर दर्द जाहिर किया था। तब मोना ने कहा था, हमारी शादी को 13 साल हो गए थे तो मेरे लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। जब मुझे पता चला कि मेरे पति किसी और के साथ प्यार में हैं, लेकिन हमारे रिश्ते में दूसरा मौका देने लायक कुछ नहीं बचा था, क्योंकि श्रीदेवी एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।